हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कहानी सुनेंगे। हिंदी कहानी है जिसका शीर्षक है चतुराई। यह लोक कथा है। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करें कहानी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करें कहानी। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूं, कृपा कर आप मुझे 5,000 रुपये दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपये नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहां वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहां जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहां और कोई तो नहीं दिखा, एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा की समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसके इन उल जलूल जवाब से खिंच गया। वह गुस्से में पूछता है, और तुम यहां बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूं। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका, तो सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो।
लड़की बोली, महाराज आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती, कृपा कर आप कल आए, कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहां सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी। राजा को देखते ही लड़की पूछी, महाराज आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे, यानी छा रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात, मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आएगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब बेटी? लड़की बोली, महाराज तीसरी बात मैंने कही थी कि मां एक से दो करने गई है। इसका मतलब था कि मां अरहर दाल को पीसने, यानी उसे एक का दो करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो एक दाना का दो भाग हो जाता है, यानी यही था एक का दो करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकालकर देख रही थी कि भात पूरी तरह से पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा,
बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी। फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूं कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता, तो माँ मुझे जरूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपके कर्ज माफ कर दिया है, आपने कर्ज माफ कर दिया है, जहां इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा वहीं खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाल उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूं, अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि कोई भी कहानी अपलोड करे सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।